Yeah, hi people. I'm sorry there was some technical issue going on, so I was me and Godox team was fixing it. So I hope you are going to forgive us for that. And I hope I'm audible to all of you. Any one of you can please comment in the comment box. Am I visible? Am I audible? Is the sound okay? Any one of you can comment. Very good evening, very good evening, Kanu. Please tell me, is the sound okay? Great, 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 great. So, yes, this is going to be a great, great, great session for about 1 hour. The timings are 6 to 7 because we are late for 5 minutes. So maybe I'll be exceeding it for 5 more minutes. But before we start, let us know what actually we are going to cover in this 1 hour. Number one, we are going to talk about careers in photography. We are going to talk about professionalism in photography. We are going to talk about a lot more than only these two things. ये एक टॉपिक हमारा था जो लिखा गया है, बट इसके साथ साथ हम और भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे. इसके साथ साथ मैं कुछ पिक्चर्स कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की, ताकि हम लोग को मजा आए. एंड बिलीव मी, फोटोग्राफी इज फन. आई एम नितिन गोयल. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा. सबसे पहले, आई एम नितिन गोयल. आई एम डायरेक्टिंग एक्सपोजर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी विच इज इन मेरठ. दिस स्कूल इज अ पार्ट ऑफ अ फोटोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन एग्जिस्टेंस सिंस द ईयर 1928, एंड आई एम द फोर्थ जेनरेशन इन द फैमिली ऑफ फोटोग्राफर्स. सो फॉर मी थिंग्स आर नॉस्टैल्जिक. व्हाट नॉस्टैल्जिक? होता क्या था, व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड, व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड, आई यूज्ड टू गो टू द डार्क रूम विद माय डैड. मैं अपने डैड के साथ डार्क रूम में जाता था. जाहिर सी बात है, उस टाइम चीजें तो नहीं समझ में आती थी कि क्या चीज क्या है, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे डैड हुआ करते थे, राइट हैंड साइड पे उनके असिस्टेंट, और बीच में मैं छोटा सा बच्चा बैठा होता था. कभी सीखने के लिए नहीं गए, लेकिन देखते देखते बहुत कुछ पता चल गया. वो एक डार्क रूम है, रेड कलर का बल्ब जला हुआ है, एनलार्जमेंट एनलार्जर रखा हुआ है, उसमें एनलार्जमेंट्स बन रहे हैं, प्रिंट्स बन रहे हैं, वो केमिकल्स, वो स्मेल. यस, दैट इज नॉस्टैल्जिक फॉर मी. एंड दैट फिल्म एरा, फ्रॉम दैट फिल्म एरा टिल नाउ, देयर हैव बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. फिल्म, उसके बाद डिजिटल कैमरा. आई स्टिल रिमेम्बर गेटिंग द फर्स्ट डिजिटल सेटअप ऑफ द रीजन. एंड यस, इट वाज आई गेस अ 1.2 मेगापिक्सल कैमरा जिससे फोटोग्राफ्स क्लिक होती थी. ओके, दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. आर यू ओके विद द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. राइट, ओके. ऑन द टॉप ऑफ इट, बहुत सारी चीजों के बाद, उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफर. डिजिटल फोटोग्राफी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं. डेवलपमेंट इन सेंसर्स, डेवलपमेंट इन लेंसेज, बॉडीज कैमरा एंड व्हाट नॉट, एंड लाइट्स टू. यस, बिकॉज वी आर लाइव फ्रॉम द गोडॉक्स स्पेस, तो यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोडॉक्स लाइट्स. आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ. एंड बिलीव मी, ये लाइट्स यूज करने में मजा बहुत आता है. लेकिन लेकिन इस सेशन को ना हम टोटली प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं रखेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम क्रिएटिव थिंग्स. अभी जो थोड़ा सा इश्यू आया था 5 मिनट का, आई वुड लाइक टू शेयर सम पिक्चर्स विद यू. अभी नहीं, विद इन द सेशन मैं करता चला जाऊंगा आपके साथ शेयर. वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर. सो प्रोफेशनलिज्म इन फोटोग्राफी, नंबर वन, इट इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. सी, ऐसा नहीं होगा कि आज 1 घंटा सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप लोग सुनते रहेंगे. ये कोई स्कूल का या कॉलेज का क्लासरूम नहीं है कि हम आएंगे, बोलेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जाम में जाके वॉमिट कराएंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन एंड यू आर गोइंग टू आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. कोशिश करूंगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर कर पाऊं. जितना होगा करूंगा, अगर कुछ नहीं आता तो मैं आपको बोल दूंगा कि ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. राइट, सो
यस, नंबर वन, अगर हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात करते हैं, हु इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर? आजकल आप बहुत सारे लोगों के हाथ में कैमरास देखते हैं. इनफैक्ट एवरीवन वांट्स अ कैमरा, अ प्रोफेशनल कैमरा, बी इट अ डीएसएलआर कैमरा, बी इट अ मिररलेस कैमरा, बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन अब हर कोई अगर कैमरा लेके फोटोग्राफ क्लिक करने लग जाएगा तो हर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो नहीं बन जाएगा ना. यस, प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफी में देयर इज अ बिग डिफरेंस. नाउ हु इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर? अ पर्सन हुज सोर्स ऑफ इनकम इज फोटोग्राफी. अगर किसी की फोटोग्राफी से इनकम हो रही है, ही बिकम्स अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. लेकिन आप कहते हैं यार आई क्लिक ग्रेट पिक्चर्स, में बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ या क्लिक करती हूँ, लेकिन मुझे लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्यों नहीं बोलते? बिकॉज आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है फोटोग्राफी नहीं हो, लेकिन क्वालिटी हो सकता है, मैच कर सकती है. लेकिन डिफरेंस होता है प्रोफेशनल फोटोग्राफर में एंड एक ऐसे फोटोग्राफर जो सिर्फ शौक के लिए फोटोग्राफी करते हैं. जैसा मैंने बताया इनकम तो ठीक है, बट वेन आई टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेशनली जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो नो डाउट हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो ब्रेड एंड बटर है, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा. और ये प्रोफेशनली ग्रोथ करनी कैसे होती है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट दी वे हाउ यू वर्क. आप किस तरीके से चीजों को करते हो, किस तरीके से अपना काम करते हो, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू कि होना क्या चाहिए. यू जस्ट नीड टू हैव सम प्रिंसिपल्स. आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए. अगर आपको पता है कि भाई मुझे अपना काम किस तरीके से करना है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सबसे पहला प्रिंसिपल अगर मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल ऑफ time. See, you are a professional photographer. If you are not going to the destination, maybe possibly you are a wedding photographer, possibly you are a photojournalist, या आपका कोई भी जॉनर हो सकता है. अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बिलीव मी यू कैन नॉट बी अ ग्रेट फोटोग्राफर. बिकॉज जब हम सुबह सबसे ज्यादा क्योंकि हम लाइट्स की बात कर रहे हैं तो वेडिंग की भी बात होती है या फैशन की बात होती है या बेबी फोटोग्राफी की बात होती है. अगर मैं वेडिंग की बात करता हूँ तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी ऑन टाइम. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज यू आर नॉट यू नो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, लेकिन स्टिल यू नीड टू टेक सम ग्रेट पिक्चर्स, यू नीड टू टेक केयर अबाउट द टाइम. आपको टाइम की केयर कैसे करनी पड़ेगी? I need to cover a sunset or maybe sunrise. मुझे अगर sunrise cover करने के लिए 4 बजे उठना है और 4:15 बजे तक एक destination पर पहुंचना है, I cannot play. मतलब मैं नहीं कर सकता कि मैं 4:15 बजे उठ के 4:30 बजे निकल रहा हूँ. I will lose the moment. Apart from that, if you are a photojournalist, you have to be there not on time but always before time. In any genre of photography, you always have to be before time. Why? The reason is, number one, light. Secondly, position. You need to take your position. Agar aap ek photographer hai and you don't have that right position, believe me, you will lose some marvelous pictures. Isiliye time ka khayal rakhna hai. Time ke saath saath hame position ka dhyan rakhna hai. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस. यू हैव टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस. कभी कभी क्या होता है, इनटू अ वेडिंग, वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं या किसी भी जॉनर की हम बात करेंगे, तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, दैट शुड बी हायर. अभी एक फोटोग्राफर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, बट अ गुड फोटोग्राफर, क्या हुआ, वेडिंग के टाइम पे उनके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया. राइट, सो वॉट ही डिड, उन्होंने ऐसा नहीं करा कि भाई ओहो मेरा कैमरा बंद हो गया अब मैं क्या करूं. व्हाट ही डिड, उन्होंने क्लाइंट को पता भी नहीं चलने दिया. द क्लाइंट वाज हैप्पी एंड क्योंकि और भी कैमरास लगे हुए थे तो द रिजल्ट्स वर गुड. तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग, नॉलेज, ग्रोथ ऑफ नॉलेज इज पैरेलल टू द ग्रोथ ऑफ योर प्रोफेशन. अगर आप प्रोफेशनली ग्रोथ कर रहे हैं तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोटोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लिटरली ग्रो नहीं करेंगे, अगर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो यू आर नॉट ग्रोइंग. बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए, फ्रॉम द यू नो ब्लैक एंड व्हाइट एरा टू कलर एरा, फिल्म डेवलपिंग, देन फर्स्ट डिजिटल कैमराज, अर्लियर डिजिटल कैमराज आई मस्ट से, देन यू नो
न्यू लेंसेज, न्यू सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो आज भी फिल्म पर फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, राइट? सो यस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. प्लस आई एम गोइंग टू, आई इनफैक्ट आई एम कीन टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, चित्रांश सोनी, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम चित्रांश. सर, व्हिच इज बेटर, स्पीड लाइट और सॉफ्ट बॉक्स लाइट? चित्रांश, ओके ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस. यू कैन पुट सॉफ्ट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द स्पीड लाइट. नाउ व्हाट्स अ स्पीड लाइट? अगर आप ये मेरे सामने पीछे रखी एक फ्लैश देख रहे हैं, या कोई भी हम फ्लैश लाइट या स्पीड लाइट की बात करते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी लाइट यूज करनी है, व्हाट लाइट यू वांट टू यूज. नाउ इफ यू वांट a harder light, maybe you are not going to require a soft box. Lekin if you put a modifier, maybe a soft box, jo idhar aap dekh rahe hain, ek soft box rakha hai, isi light ke upar I can put this soft box and modify my light. So yes, both goes, you know, win-win situation hoti hai dono ki. Dono mein aap dono use kar sakte hain, depend karta hai ki aapko result chahiye kya. Okay, so we have another question. Right, so it's a technical question, and okay, let me tell you for some technical questions about the product. We also have Godox team with us. I guess Shantanji is here, and whatever technical questions you have, Shantanji, comment box mein hi aapko reply karte rahenge. This is going to be something very very good ki hamare paas technical answers bhi hand to hand aate chale jayenge. Photography ke answers jo main aapko deta jaunga, wo bhi hamare paas hand to hand aate chale jayenge. Right. Now, since it is career oriented program, तो मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा. सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं, राइट, स्टूडेंट फोटोग्राफर्स और मे बी बिगनर्स, उनके माइंड में एक चीज होती है कि यार मैं तो प्रोफेशनल कैमरा यूज करूं, एंड बिकॉज आज के टाइम में इंटरनेट एक्सेस सब लोगों के पास है, तो लोगों को चीजें पता भी चल जाती हैं. और वो क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज उनको पता चलता है कि रॉ शूटिंग नाम की कोई चीज होती है, राइट? दे सिंपली स्विच देयर कैमरास टू रॉ शूटिंग. वो सीधे सीधे अपने कैमरे को रॉ पे करते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि अगर मैं रॉ पे शूट करूंगा तो आई विल बी एबल टू एडिट माई पिक्चर्स मच. हो सकता है मैं कलर्स उसके बेटर कर पाऊं. लेकिन यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, सी एवरीवन इज अ लर्नर. Even I have been teaching photography since past 10 to 11 years, but still I am a learner and I will be a learner throughout my life. Let me tell you, जब हम start करते हैं कोई भी चीज, especially जब मैं photography की बात करता हूँ, हम सोचते हैं कि यार photograph click कर लेता हूँ, घर पे जाऊंगा या office में जाऊंगा, software पे software open करूंगा, and I will be edit, I'll be, you know, editing my pictures, और मैं जो भी करना चाहूंगा वो मैं कर सकता हूँ. No, this is not, this should not be done. Okay, if I say this is possible, but this should not be done because you are a beginner. You have to learn the basics first. अगर आप basic की मैं बात करता हूँ, it's never about shutter speed, it's never about aperture, it's never about ISO. ठीक है, वो technical part है, वो आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे. You will be able to do wonders with those things. लेकिन you have to create a vision. आपको एक vision create करना पड़ेगा. Suppose you are doing street photography, आप street photography करें, and there are some great colors on the street. Street पे बहुत अच्छे colors हैं, और आपने कहा यार मजा आ गया, इसको मैं raw shoot कर लेता हूँ, घर पे जाके colors को बहुत अच्छा बना दूंगा मैं. No, it's not only about colors, it's not only about the exposure, but it is always about the right moment. People do not click pictures. You don't click pictures. Please create stories. Every picture should have a story, and for that you need to do one thing. You need to capture the right moment at the right time. अगर टाइम आपने नहीं देखा तो बिलीव मी, वो कितनी भी आप एडिटिंग कर लें कुछ नहीं होगा. एंड टू प्रैक्टिस इट, अपने दिमाग से एक चीज निकालनी पड़ेगी कि भाई मैं घर जाके कुछ कर सकता हूं. तो इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट विथ शूटिंग जेपेक, जेपेक से शूट करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट जब हम फील्ड में हो, हमें पता है कि हमारे पास ज्यादा बात कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं एडिट करने के लिए. वी विल बी एबल टू टेक आउट सम ग्रेट पिक्चर्स फ्रॉम द कैमरा इटसेल्फ. मतलब हमें पता है कि इन द नेक्स्ट शॉट आई वांट, आई रिक्वायर इनफैक्ट
proper shutter speed, proper aperture, proper ISO, proper white balance, what flash settings, everything. इसका मतलब हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं, और जितना हम खुद को डेवलप करेंगे उतना एडिटिंग हम कम करेंगे. दैट इज हाउ यू बिकम अ गुड फोटोग्राफर. सी, इट्स ऑल अबाउट फोटोग्राफी. यू डोंट हैव टू बिकम अ ग्रेट एडिटर. यू कैन बिकम अ ग्रेट एडिटर, बट वेन यू से अबाउट फोटोग्राफी, येस यू हैव टू बिकम अ ग्रेट फोटोग्राफर एंड यू हैव टू डेवलप दी स्किल्स इन योर सेल्फ. लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेन यू आर अ फोटोग्राफर, कैमरा इज ऑलवेज सेकेंडरी. कैमरा हमेशा सेकेंडरी होता है. क्यों? कैमरा नहीं देखता कि मुझे शूट क्या करना है. इट्स यू, इट्स योर आईज, एंड देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन योर आईज एंड द कैमरा, एंड दैट थिन लाइन इज योर आईज कैन नॉट रिकॉर्ड द मोमेंट. आपकी आईज रिकॉर्ड नहीं करेंगी. कैमरा सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए आएगा. आपने पिक्चर देख ली, सपोज यू हैव अ ग्रेट कैमरा विद यू, आपके पास एक बहुत बहुत अच्छा यू नो कैमरा है. आप कहते हैं यार मेरे पास तो 5 लाख रुपए का पूरी की पूरी किट है एंड I'll be creating some great pictures. लेकिन आपके सामने से पिक्चर निकल गई और आपको पता भी नहीं चला. तो my thing is, please develop your eye for a photograph. आपको सिर्फ कैमरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी की बात करता हूँ, तो जो बहुत ज्यादा बड़े शहर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े शहर नहीं है, उनमें पता है क्या होता है, जो फोटोग्राफर्स है ना उनके आपस में ग्रुप्स हैं. तो फॉर एग्जाम्पल वेडिंग के लिए एक डेट है जो उनके पास फ्री है, दे नेवर से आई एम फ्री. सब लोग जानते हैं जो मैं अगर मेट्रो में भी ऐसा होता होगा, लेकिन अगर मैं मेट्रो सिटी से बाहर निकलने की बात करूं तो वो पता है क्या बात करते हैं, दिस कैमरा इज फ्री, दिस कैमरा इज फ्री. अरे भाई कैमरा इज नॉट गोइंग टू टेक अ फोटोग्राफ. कैमरा कभी भी फोटोग्राफ नहीं लेगा. इट्स यू, इट्स योर स्किल्स. इसीलिए ऑलवेज डेवलप योर स्किल्स. हाँ, एक बार आपकी स्किल्स डेवलप हो गई, उसके बाद गो फॉर एडिटिंग. उसके बाद आप कुछ भी करें, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट. सेकेंडली, again it is going to be for beginners, since it's a beginner oriented session, try not to invest in a very expensive camera at initial stage. शुरू में आप कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कैमरे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे एक्सपेंसिव कैमरे में? द रीजन इज एवरी कैमरा हैज अ लाइफ. हर कैमरे की एक लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है. आजकल ठीक है, अच्छी लाइफ के कैमराज आते हैं, बट स्टिल इट हैज अ लाइफ, राइट? सपोज यू आर स्पेंडिंग 2 लाख रुपीज ऑन योर कैमरा एंड सीखने सीखने में यू आर यू नो इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट्स. आपने शॉर्ट्स में इन्वेस्ट करा है, सीखने सीखने में आपके कैमरे की लाइफ खत्म तो नहीं होगी, बट हाँ बहुत ज्यादा यू नो आप उसके सेंसर का जो शटर काउंट है, कैमरे का जो शटर काउंट है, वो यूज कर लेंगे. अब क्या होता है, जब तक आपकी स्किल्स डेवलप होंगी तब तक वो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 2 लाख की हो चुकी होगी, राइट? अब क्या हुआ, इफ यू इन्वेस्ट इन अ नॉर्मल कैमरा, मे बी सम गुड कैमरास, APS-C छोटे साइज के जो सेंसर्स होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 40 to 50,000 rupees. इन्वेस्ट इन दोस कैमरास, डेवलप योर स्किल्स विद दोस कैमरास, एंड जब आपको पता चल जाए कि भाई अब तो मेरा एक एक शॉट पूरा शॉट आ रहा है, एक शॉट परफेक्ट फोटोग्राफ आ रहा है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड यू नो गुड क्वालिटी सेंसर कैमरा, और मे बी अ फुल फ्रेम कैमरा, और मे बी अ मीडियम फॉर्मेट कैमरा, बिकॉज अब एवरी शॉट, ऑलमोस्ट एवरी शॉट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट पिक्चर, एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गोइंग टू बी द राइट डायरेक्शन ऑफ बाइंग अ कैमरा, राइट? सो वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस, Mr. Arun, okay. Can I use Godox speed light with okay, maybe some other strobe lights? Okay, yes, possibly yes. If you want to use your Godox lights with some other speed light, there are a lot of things. Maybe you can use multiple triggers. You can use slaves. Depends ki what you are shooting. And yes, iska ek bahut bada सेशन मेरे पास है जो मैं करना चाहूंगा इनफैक्ट आप लोग के साथ में. सो यस 100% यू कैन 100% यूज एनी फ्लैश विद एनी अदर ब्रांड फ्लैश, बिल्कुल आप कर सकते हैं. बट कोशिश करें कि अगर आप एक ब्रांड यूज कर रहे हैं तो गो अहेड विद दैट ब्रांड ओनली, बिकॉज एक इकोसिस्टम होता है, एक कनेक्टिविटी होती है. तो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप उस कनेक्टिविटी को
खत्म ना कर दें, बिकॉज वेन यू आर शूटिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट तब यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में शूट नहीं कर रहे हैं तो देन समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, तो उस टाइम आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक प्रॉपर इको सिस्टम मेंटेन करें तो दैट इज बेटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग गोडॉक्स, गो फॉर गोडॉक्स लाइट्स ओनली। हम ये नहीं करेंगे मेरे पास ये रखी है, मेरे पास वो लाइट रखी है तो उसको मैं किसी तरीके से कर लूं, नहीं। इको सिस्टम बहुत बार मैच नहीं करता है। कंट्रोल्ड में येस आई कैन से यू कैन, लेकिन इफ इट इज नॉट अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट प्लीज अवॉइड यूजिंग डिफरेंट ब्रांड फ्लैशेस टूगेदर। ओके, मिस्टर पंकज, उनका एक क्वेश्चन है, सर कैनन 200D Mark II के लिए कौन सा फ्लैश सही रहेगा? ओके, कैनन 200D Mark II, एज फार एज आई नो कैनन 200D Mark II, नो मैनुअल फ्लैश विल वर्क ऑन दैट बिकॉज यूनिवर्सल माउंट उसके अंदर शायद नहीं है। सो उसके लिए व्हेन आई टॉक अबाउट गोडॉक्स, तो यू कैन टेक एनी फ्लैश। एक बहुत बेसिक सा फ्लैश आता है दैट इज TT685 फॉर कैनन, दैट इज गोइंग टू वर्क अमेजिंग विद योर कैमरा। एंड एक बहुत अच्छी बात है, एक फ्लैश है आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है बिकॉज हम आजकल सब लाइट वेट यूज करना चाहते हैं, हम मिररलेस की बात करते हैं। TT350, TT350 इज अ ग्रेट फ्लैश इफ यू वॉन्ट यू नो अ स्मॉलर वर्जन ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइट, बट वेन आई टॉक अबाउट अ बिगर फ्लैश यू कैन गो फॉर V1, यू कैन गो फॉर यू नो TT585, TT685, अमेजिंग फ्लैशेस विद यू नो ग्रेट इको सिस्टम। उसके साथ आप ये ट्रिगर भी यूज कर सकते हैं, दिस इज X1T ट्रिगर। अभी इसका एक अपडेटेड वर्जन भी आ गया है, दैट वर्जन इज X2T, तो बहुत सारे उसमें फीचर्स एड ऑन हो गए हैं, अमेजिंग थिंग्स। सी द थिंग इज इको सिस्टम, इको सिस्टम अगर आपके जितना भी इक्विपमेंट है उसका मैच करेगा, 99.9% आप कभी फेल नहीं होंगे। फेल एज इन की एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे जब आपको एक्चुअली उस चीज की जरूरत है तो उस टाइम पसीना नहीं आ रहा होगा, आई शुड से। ओके, सो अनदर क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन फ्रॉम दिव्या, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन करियर प्रॉस्पेक्ट फॉर वुमेन इन फोटोग्राफी। ओके, ये एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। अमेजिंग सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी की, तो हम बहुत कम ऐसा देखते हैं कि कोई कोई यू नो अ लेडी इज शूटिंग वेडिंग्स और मे बी अ गर्ल इज शूटिंग वेडिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू पीपल, गर्ल्स आर डूइंग इक्वली गुड इन फोटोग्राफी। आई हैव माई ओन स्टूडेंट्स हु आर गुड वेडिंग फोटोग्राफर्स। सी, आप बहुत सारे वुमेन फोटोग्राफर्स को देखते होंगे, दे आर बेबी फोटोग्राफर्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स, क्योंकि वो सब कंट्रोल्ड एनवायरमेंट और इनहाउस होता है सब कुछ। लेकिन वेडिंग इज अ थिंग जहां पे यू नीड टू ओपन ओपन अप इन पब्लिक, पब्लिक में आपको ओपन होना पड़ता है। प्लस 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 आई एम यू नो ब्लेस्ड टू हैव सच स्टूडेंट्स। देर इज अ गर्ल, शी इज डूइंग ग्रेट इन वेडिंग फोटोग्राफी, शी इज इन देहरादून एंड आई रियली लव हर वर्क। बहुत अच्छा करियर, नॉट ओनली कि शी इज इन टू फोटोग्राफी बट प्रोफेशनली शी इज डूइंग वेरी वेल, अमेजिंग फोटोग्राफी, अमेजिंग यू नो प्रोफेशनलिज्म इन हर वर्क। एंड नॉट ओनली हर, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल देर आर, इफ आई टॉक about Divya, even you are a great photographer, you are a travel photographer, I know you, you are you know into travel blogging as well. So yes, when you talk about women photography, it's not only confined to some specific things ki indoor rehke hi hum kuch karenge. Girls are doing really good, you may go ahead with एनी जॉनर यू वॉन्ट, एनी जॉनर यू लाइक, जिसमें आपको मजा आ रहा है आप वो करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे इससे याद आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीखनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीखते भी हैं। हमें आई वॉन्ट टू बिकम अ फैशन फोटोग्राफर, हमें फैशन फोटोग्राफर बनना है, लेकिन पता है क्या होता है, हमें करना क्या है, हमारा मन क्या है, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग।
सबसे पहले ये देखना है कि आपको मजा किस चीज में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हम करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन देखते देखते उनको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, एंड सम ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग ब्रिलियंट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। सो आपको क्या करना है, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाइल्ड लाइफ के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, बिकॉज अभी आप सोच रहे हैं। हाँ, एक बार आपको पता चल जाए कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या किसी भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में आपको मजा आ रहा है, दैट इज दी जॉनर फॉर यू। सोचा तो मैंने था कि फैशन फोटोग्राफर बनेंगे, लेकिन मजा तो मुझे आ रहा है वेडिंग फोटोग्राफी में। दैट मींस जिस चीज में मजा आए उसको प्रोफेशन बनाना है। दिस इज गोइंग टू बी अनदर पॉइंट ऑफ ग्रोथ इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी। यस, सो यस, अगर आपको कुछ भी जॉनर आप में आपको जाना है तो Things are, fields are open even for girls. It is safe. Things are amazing. You can go ahead with things. Yes. Okay. How to make your team when you are a beginner? Okay. अतानु दत्ता। अतानु, okay. First of all, हम ये सोचते हैं कि हमें टीम बनानी क्यों है? टीम बनानी क्यों है? Because हम काम करना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने ये पूछा, व्हेन आई एम अ बिगनर हाउ टू मेक अ टीम। सबसे पहले यू नीड टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, टीम बनानी है काम करने के लिए, लेकिन काम करने के लिए ना बिगनर है, बट यू नीड टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन प्रोफेशनल थिंग्स की आप फील्ड में निकलने से पहले उनके थ्रू हो जाएं। उसके बाद जब आप टेक्निकली प्रोफेशनली बिल्कुल साउंड हो जाएं, उसके बाद यू कैन बिल्ड अप योर टीम। अपनी टीम को आप उसके बाद अपनी टीम बनाइए एंड गो अहेड इनटू फील्ड। यू विल बी यू नो मीटिंग अप विद सक्सेस अगेन एंड अगेन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बहुत जल्दी कर देते हैं। हुआ ये, एक फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन करा, या फिर हमने एक कैमरा खरीद लिया, और कैमरा खरीदने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, एक पेज बन जाता है हमारा फोटोग्राफी का किसी भी सोशल मीडिया उस पे, राइट? सो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम कुछ चीजें ऐसी करेंगे। हमारे पास एक तो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट होने के बाद, अच्छा, कंटेंट से एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं फोटोग्राफी के, इवन इफ आई टॉक अबाउट आर कोर्सेज, वी हैव अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, दे आर बेसिक कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, एडवांस प्रोफेशनल कोर्सेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर यू नो एग्जिस्टेंस में क्या क्या है, 1 ईयर कोर्सेज, 3 ईयर कोर्सेज, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके पास एक सर्टिफिकेट भी आ गया, लेकिन नेवर एवर थिंक दैट सर्टिफिकेट इज योर क्वालिफिकेशन इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। द ओनली क्वालिफिकेशन एज अ फोटोग्राफर दैट यू हैव इज योर पोर्टफोलियो। तो अपने अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करना है, सो दैट जब आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, या फिर क्लाइंट किसी को भी आपका काम देखना है, आपको काम देने से पहले 100% कोई ना कोई आपका काम देखना चाहेगा। जब तक आप अपना नाम उस तरीके का, जब तक आप खुद को ब्रांड नहीं बना लेते हैं, लोग काम देखेंगे, एंड द ओनली क्वालिफिकेशन इज गोइंग टू बी योर पोर्टफोलियो। सो आई वुड रिकमेंड यू अतानु, फर्स्ट वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, राइट? एंड ट्राई टू गैदर नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। लिटरली आपको कहीं से भी नॉलेज गैदर करनी है, एंड एक बार आपने एक लेवल टच कर लिया, उसके बाद यू कैन बिल्ड योर टीम, गो अहेड विद द थिंग्स। बिलीव मी, यू विल बी डूइंग वंडर्स इन लाइफ, राइट? सो अनदर क्वेश्चन इज, आउटडोर शूट के लिए AD200 बेस्ट रहेगा और V1? ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट आउटडोर, आउटडोर में अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, लॉट ऑफ लाइट और मे बी लो लाइट। अगर हम लो लाइट की बात करते हैं, यू में गो अहेड विद ईदर ऑफ देम। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं यू आर गोइंग टू शूट इन सनलाइट, सनलाइट में शूट करना है, तो पता है क्या चाहिए आपको, अ फ्लैश विच कैन ओवर पावर दी सन। ओवर पावर मतलब सन उसको खराब ना करे, और हम जो फ्लैश के इफेक्ट चाहते हैं हमें वो भी मिल जाए। तो अगर मैं AD200 की बात करता हूं, तो नो डाउट कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसका जो आउटपुट है दैट इज बेटर, एंड अपार्ट फ्रॉम AD200 यू हैव बेटर आउटपुट फ्लैशेस। यू यू कैन गो अहेड विद AD400 इफ बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। यू कैन गो विद AD600, अमेजिंग लाइट्स, अमेजिंग लाइट्स, मतलब सम ऑफ देम लिटरली ओवर पावर द सन। एंड यस, फॉर मी आई हैव सम ऑफ द यू नो सम पिक्चर्स, मे बी आई विल शो यू
80 to 100 की ही है वो पिक्चर्स, एंड लेट मी चेक अगर वो टेक्निकल चीज ठीक हो गई होगी तो आई वुड लाइक टू शेयर सम पिक्चर्स विद यू. ओके यस, यू कैन गो अहेड विद 80 to 100, अमेजिंग थिंग. 80 to 100 प्रो द न्यू न्यूअर वर्जन, यू कैन गो अहेड विद दैट थिंग. ओके सुरेश जी, यू हैव सम यू नो थिंग्स इन सर्विस, ओके यू आर नॉट हैप्पी विद दी सर्विस, no problem at all. See, I would like to add on here, apart from mentor, apart from being a photographer, I am also a dealer. We also have you know, store over here, we have retail things. So let me tell you, Suresh ji, if you have any kind of problem, please contact Godox team. Whenever you are buying a Godox product, please get an invoice and a warranty card. You get 1 year warranty on some of the products, I guess all the products. Godox team would be telling you about it better. But yes, if you have the invoice, if you have the papers, contact Godox team. And yes, जितनी अभी तक मेरी नॉलेज, जितना मेरा अभी तक Godox टीम से इंटरेक्शन हुआ है, जितना अभी तक उनके साथ काम हुआ है, द सर्विस इज नो डाउट अमेजिंग. आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज कॉन्टैक्ट द Godox टीम एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू. यस ओके, अनदर क्वेश्चन. ओके मिस्टर मधुकर, मधुकर जी इज आस्किंग मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम. मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज वेरी सिंपल. For example, if you are using this trigger, this X1T trigger with a Godox flash, पीछे ये flashes रखी है, मैं इस trigger को किसी भी flash के साथ use कर सकता हूँ. पीछे अगर हम देखते हैं तो एक 8200 रखी है, एक TT350 रखी, which is my personally favorite flash because of its size. तो मैं इसको उन दोनों के साथ use कर सकता हूँ. लेकिन इन पीछे जो flashes रखी हैं, अगर एक भी फ्लैश किसी और ब्रांड के साथ हो, तो ये जो हमारे पास Godox का ट्रिगर है वो प्रॉपर काम करेगा, इनको उसके साथ सिंक ही नहीं होगा. सो इकोसिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम की कनेक्टिविटी सबकी, मैं बहुत सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कि कनेक्टिविटी सबकी बहुत अच्छी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने कैमरा बैग में चार अलग अलग ब्रांड के ट्रिगर लेके चल रहे हैं क्योंकि हम चार अलग अलग ब्रांड की फ्लैशेस लेके चल रहे हैं. वॉट एवर ब्रांड यू आर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग अ Godox फ्लैश, ऑलवेज ट्राई यूजिंग अ गुड, ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग अ Godox ट्रिगर. लेकिन अभी किसी ने पूछा था कि मैं अपनी फ्लैश को दूसरी कंपनी की, दूसरे ब्रांड की फ्लैश के साथ सिंक कर दूं, कोशिश करनी है ये काम नहीं करना, बिकॉज इकोसिस्टम मैच नहीं करेगा. तो इकोसिस्टम इन सिंपल लैंग्वेज इट इज कनेक्टिविटी एंड ईज ऑफ यूज, आप जिस तरीके से चीजों को यूज करते हैं. ओके सो वील गो, वील मूव टू अनदर क्वेश्चन. ओके योगेश जी इज आस्किंग, मेरे पास 600 प्रो है एंड एसके 400 है, तो क्या मैं दोनों को एक ही ट्रिगर से यूज कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं. टेक्निकली Godox टीम हमारी कमेंट बॉक्स में अभी डाल देगी, या फिर वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे करना है. नॉट सो टिपिकल, बट येस यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद दी सिंगल ट्रिगर. यस दैट इज वॉट इको सिस्टम इज, आप बिल्कुल उसको कनेक्ट कर सकते हैं. ओके अनदर क्वेश्चन. ओके योर ऑक्टो बॉक्स इज डैमेज, सो यू वॉन्ट टू गेट द पार्ट्स. Yeah, Godox team will 100%. This is the question from Dev. For example, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक soft box रखा हुआ है. Even he is using a soft box, लेकिन उसकी वो कह रहे हैं कि दो sticks को damage हो गई हैं. तो you can ask Godox team if they repair such kind of boxes or if they give warranty. If in case it comes under warranty, so they may be able to help you out. Okay. Sir, how to rectify V860 flash for Mark 4? Some plain outshoot. मैं आपका क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं समझ पाऊँ सर, इस चीज को थोड़ा सा elaborate करने की कोशिश करिए. कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ. एंड सो
ओके सर, व्हाई आर यू आंसरिंग अबाउट डाउट्स ऑन गोडॉक सर्विस? ओके, आई गेस आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम समवेयर अबाउट डाउट्स ऑन गोडॉक सर्विस. सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज कॉन्टैक्ट विद दी गोडॉक्स टीम, एंड जो भी पॉसिबल होगा, इफ इट्स अ जेन्युइन प्रोडक्ट, इफ इट्स यू नो परचेज्ड ऑन इनवॉइस, तो जो भी जो वो उनको पता है कि उनका कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है. यस, इफ इट्स अ गोडॉक प्रॉपर जेन्युइन प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू असिस्ट यू 100%. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. सो ओके सर, आई यूज TT350 फ्लैश. TT350 फ्लैश जो है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पीछे एक, सॉरी दिस साइड एक फ्लैश रखी है जो बहुत ही छोटे साइज की फ्लैश है. इट्स लिटरली अ पाम साइज फ्लैश, बहुत ही छोटी फ्लैश होती है ये. ठीक है, आउटपुट इसका बहुत हाई नहीं होता, आई गेस 36 गाइड नंबर की फ्लैश है ये, बट अमेजिंग फ्लैश. एंड आपका क्वेश्चन इज यू यूज अ स्फेयर डोम टू सॉफ्टन द लाइट बट फेड अप गेटिंग रिफ्लेक्शंस. ओके, एस एल सैनी, सैनी जी, कैन यू टेल मी व्हाट साइज ऑफ यू नो मॉडिफायर आर यू यूजिंग? किस साइज का मॉडिफायर आप यूज कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा वो इसका आइडिया हो जाए तो मैं आपको बेटर आंसर दे पाऊंगा. लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू, लाइट का एक प्रिंसिपल होता है, वेरी बेसिक प्रिंसिपल. इफ यू आर अ फोटोग्राफर तो आपको उस प्रिंसिपल को 100% पता होना चाहिए, वो प्रिंसिपल आपको. द बेसिक प्रिंसिपल इज देयर आर टू काइंड ऑफ लाइट्स, हार्ड लाइट एंड सॉफ्ट लाइट, राइट? हार्ड लाइट क्या होती है? व्हेन यू आर यूजिंग अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, तो यू विल बी सीइंग हार्ड शेडोज, आपको हार्ड शेडोज मिलेंगी, राइट? जैसे कि आप एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर देख सकते हैं, ये जो हमारा गोडॉक्स को सॉफ्ट बॉक्स रखा हुआ है, इसकी शेडो आ रही है बैकग्राउंड पे और मैं उसकी एजेस देख पा रहा हूँ, राइट? ये होती है हार्ड लाइट. मे बी द सोर्स ऑफ लाइट इज अ स्मॉलर सोर्स ऑफ लाइट, और द सोर्स ऑफ लाइट इज फार अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. दो कंडीशन, यूजुअली दो कंडीशंस में ये चीज होती है. दी सो इफ यू वॉन्ट द सॉफ्टर लाइट, नंबर वन, इट हैज टू हैव अ बिगर सरफेस, दैट मींस यू हैव टू यूज अ बिगर सॉफ्ट बॉक्स और अ बिगर यू नो सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंडली, ट्राई टू गेट इट एज क्लोज टू योर सब्जेक्ट. आप अपने सॉफ्ट बॉक्स को सब्जेक्ट से जितना क्लोज रखेंगे उतना ज्यादा आपको सॉफ्ट लाइट मिलेगी. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, तो किस चीज पे वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, आई नीड टू नो दैट. अगर चीजें वो चीज प्रॉपर मेरे सामने आ जाएगी तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन इट. ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज, माई गोडॉक्स V1 इज मिसिंग कैम. ओके, यू हैव USR, लेकिन आपकी जो V1 फ्लैश है वो मिस कर रही है. ओके, इसमें नंबर वन, एक तो आपको अपना वो देखना है कि आपने प्रॉपरली माउंट करी है या नहीं करी है. यू नीड टू टेक केयर अबाउट व्हाट पावर यू आर यूजिंग, मतलब व्हाट सेल यू आर यूजिंग. एंड उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दी सर्विस सेंटर और या फिर एनी गुडॉक्स टेक्निकल टीम, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे. ठीक है, यूजुअली जो होता है, जो मिस करती है, या तो वो माउंट प्रॉपर नहीं हुई है, या फिर उसको प्रॉपर पार नहीं मिल रही है, या फिर सेल जब हमारे डिस्चार्ज होने हैं तब हमारी फ्लैश यूजुअली मिस करने लगती है. तो यू नीड टू टेक केयर अबाउट सम ऑफ द थिंग. उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट गुडॉक्स टीम, दे ऑल आर हेयर, वो सब लोग यहीं पर हैं. तो इवन इन द कमेंट बॉक्स उन्होंने वो पढ़ लिया है. यस, ओके, या सो एक और आया है, थैंक यू सो मच, कंटेंट इज द किंग. ओके, थैंक यू. ओके, अनदर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गो अहेड विद. ओके, यू वॉन्ट टू एस एल सैनी, ओनली अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एस एल सैनी, यू वॉन्ट
to shoot with flash but with a higher shutter speed. You want to freeze some very highly moving object. लेट मी टेल यू सैनी जी, आपकी ये जो फ्लैश है और इन दोनों ही फ्लैश में एक ऑप्शन आता है हाई सिंक ऑप्शन, ठीक है। व्हेन यू आर स्विचिंग ऑन दिस ऑप्शन यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर शटर स्पीड। यूजुअली हम फ्लैश में जब शटर स्पीड यूज करते हैं दैट इज 1/250 ऑफ अ सेकेंड, डिपेंड्स अपॉन यू नो द सिंक स्पीड। बट हेयर यू विल बी एबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शटर आफ्टर यू स्विच ऑन द एचएसएस पार्ट ऑन योर फ्लैश एंड यू विल बी एबल टू go on a higher speed while doing flash photography, and both the flashes are great. You can go ahead with these flashes only. Use HSS. Okay. Okay, Sandeep Singh Ji, कुछ कह रहे हैं thing I like about 8600 overpower sunlight. Okay, yes, 100% it can overpower sunlight. It's an amazing light to shoot outdoors as well as indoors. Okay, it create amazing contrast and dramatic effect straight out of the camera. Yes, no doubt, no doubt. See, I would like to add on in this also. मैंने अभी आपको एक चीज बोली. Don't be dependent upon editing. हम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट, वो भी एक पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, पार्ट ऑफ फोटोग्राफी है. सी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. हम प्री प्रोडक्शन में पहले प्लान करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे वी आर शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे वी आर एडिटिंग. लेकिन एज आई सेड, डोंट यू नो थिंक अबाउट एडिटिंग व्हाइल यू शूट. Try कि 99.9% picture आपके camera में ही आ जाए. And yes, the knowledge of light can make you do that. ये जो आपने बोला कि direct out of the camera आप 8600 से result निकाल देते हैं, this is actually very true. आप आराम से कर सकते हैं. हाँ, फिर भी अगर आपको minor कोई contrast या कुछ color आपको करना है तो वो कर सकते हैं. But don't give much stress on you know editing the pictures. Give stress on creating the results directly from the camera. Okay. तो सुरेश जी, एक और चीज है कि अगर आपके पास जो फ्लैश है, आपने अभी एक बोला था कि सर्विस वो कैसे मिलेगी हमें अगर हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है. आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी जेन्युइन प्रोडक्ट है उसके ऊपर गोडॉक्स का एक होलोग्राम होता है. तो यू नीड टू शो दैट होलोग्राम टू दी यू नो गोडॉक्स पीपल सर्विस सेंटर्स. तो उस होलोग्राम से भी वो उनको पता है कि दैट इज द जेन्युइन प्रोडक्ट. दे हैव ऑल द नंबर्स ऑफ द होलोग्राम्स एंड यस, आपको प्रॉपर सर्विस मिलेगी. लेकिन बिफोर यू बाय अ गोडॉक्स प्रोडक्ट यू हैव टू सी कि उसके ऊपर वो होलोग्राम है या नहीं है, एंड ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर अ वारंटी कार्ड एंड इनवॉइस फॉर योर प्रोडक्ट. ओके, okay, another question that we have is sir, mere paas 8600 pro and sk400 studio light hai to main teen light ek trigger se kaam karna hai to use kar sakta hu. 100% aap kar sakte hain, aap usse bhi zyada light kar sakte hain use. depend karte hai ki aap ये ट्रिगर कौन सा यूज कर रहे हैं. ट्रिगर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज, ये जो ट्रिगर मैंने आपको दिखाई ये मैं यूज करता हूं अपने काफी सारे शूट्स में. द बेस्ट पार्ट इज आपकी लाइट कहीं और रखी है एंड वायरलेसली आप उस अब तीनों ही लाइट्स को उनके जो पावर है या कुछ भी आपको चेंज करना है आपको लाइट तक जाने की भी जरूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगर X20 एंड अभी जो उसका नया वर्जन है X20, आप दोनों ही आप तीनों ही लाइट्स अपनी जगह पर कैमरे के पास खड़े होकर ही एडजस्ट कर सकते हैं. 100% आप तीनों लाइट्स को कर सकते हैं ट्रिगर. ओके, आई वुड गो फॉर अनदर क्वेश्चन दो, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्चुअली आई एंजॉय आंसरिंग टू द क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ड्रिलिंग करते हैं, दैट ड्रिलिंग आई लव दैट ड्रिलिंग एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ओके, व्हेन यू आर क्लिकिंग विद पिक्चर्स एंड यू वांट टू वर्क फॉर क्लाइंट,
Okay, another question is, when you are clicking good pictures and you want to work for client but no one knows you, how to get work and how to proceed in career? What are the steps we should follow? Brilliant, brilliant. Number one, as I said, the only qualification of a photographer is his portfolio. अब आपको कहने का मतलब है कि कोई आपको जानता नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू गो इन टू द इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री में कैसे एंटर करेंगे, कैसे लोगों को अपना काम दिखाएंगे. भाई थिंग्स आर वेरी इजी नाउ डेज, यू हैव अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनसे यू कैन रीच आउट पीपल, आप लोगों को लिटरली रीच कर सकते हैं. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, एक टाइम होता था जब हम अपनी पिक्चर्स कैसे शेयर कर पाते थे, या तो एक फोटो एल्बम होती थी, या मे बी अगर कोई फोटो जर्नलिस्ट है तो न्यूज़पेपर में वो फोटोग्राफ्स आती थी, या फिर एक चीज होती है माउथ पब्लिसिटी. लेकिन आज के टाइम पे तो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, विच इज पेड विच इज नॉन पेड. लेकिन सबसे पहली बात, यू नीड टू हैव ग्रेट कंटेंट. आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए. अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, बिलीव मी, डोंट गो इनटू द इंडस्ट्री. मैं आपको पहले भी ये बोल चुका हूँ, ठीक है? नो डाउट कंटेंट बनता रहता है एज यू वर्क, एज यू प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो बनता रहता है. बट व्हेन आई से दैट यू नीड टू बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, आप कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाएंगे? वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स, डिजिटल मीडियम वर्क्स, यू हैव गॉट एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट वर्क स्पीक्स, आपका काम बोलेगा. आपको नहीं बोलना है कि मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ, प्लीज मुझसे काम करा लो. लेकिन अगर आपका काम अच्छा है, क्लाइंट्स आपके पास खुद आने लगेंगे. एंड मेंटेन योर मार्केट. आप आजकल मैं एक नई चीज देख रहा हूँ, वो नई चीज क्या है? प्राइजेस कम कर देते हैं. आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट अदर सिटीज और मेट्रो सिटी, बट जो नॉर्मल छोटे शहर हैं, लोग प्राइजेस पे की बहुत बात करते हैं. और प्राइस की बात करने का मतलब पता है क्या है? कि भाई आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर, दैट पर्सन इज अ वेडिंग फोटोग्राफर, उन्होंने अगर क्लाइंट को ये रेट दे दिया तो मैं क्लाइंट को ये रेट दे दूंगा. नो, दिस शुड नॉट बी द केस. ऐसा केस कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर कंपटीशन करना है, प्लीज डू कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. कभी भी आपको प्राइस वॉर या इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना. देर इज नथिंग लाइक कॉम्पिटिशन इन फोटोग्राफी. अगर हम सोचते हैं कि हम किसी से कम्पीट करें, तो बिलीव मी, यू आर थिंकिंग दैट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू डू सम कॉम्पिटिशन, डू द कॉम्पिटिशन इन क्वालिटी, गिव क्वालिटी, एंड प्लीज मेंटेन योर क्लाइंटेज, एंड प्लीज मेंटेन योर मार्केट. सो अनदर क्वेश्चन, लेट्स गो अहेड. ओके सुरेश जी, मैं समझ गया कि प्रॉब्लम आ रही है, बट गोडॉक सर्विस सेंटर इज नॉट देयर इन हैदराबाद. प्लीज कॉन्टैक्ट गोडॉक्स टीम हेयर ऑन दिस पेज, एंड 100% इफ यू हैव अ जेन्युइन प्रोडक्ट, 110% दे आर गोइंग टू लुक इन टू इट, एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द कि मेरा कोई प्रोडक्ट खराब है और वो ठीक नहीं हो रहा है. अगर जेन्युइन प्रोडक्ट है तो 100% गोडॉक्स टीम इज गोइंग टू लुक इन टू इट. एज फार एज माई एक्सपीरियंस विद गोडॉक्स टीम, ब्रिलियंट टीम, ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स, ब्रिलियंट प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स, ब्रिलियंट दे हैव अमेजिंग टीम, अमेजिंग टीम. सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज कॉन्टैक्ट देम. एंड इसी पेज पे आप कॉन्टैक्ट करिए, यू विल कम इन टू कॉन्टैक्ट विद सम जेन्युइन गोडॉक्स पीपल, एंड दे आर गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 100% उसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. ओके, अनदर क्वेश्चन इज, सोनी A7 III के लिए बेस्ट फ्लैश. ओके कपिल, ये कपिल जी का क्वेश्चन है. बेस्ट फ्लैश, जैसे कोई बेस्ट कैमरा नहीं होता ना, सिमिलरली कोई बेस्ट फ्लैश नहीं होती, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन आपका यूज किया है. सपोज यू वांट टू शूट इंडोर्स, अगर आपको इंडोर शूट करना है, तो यू कैन गो अहेड विद
यू नो अ नॉर्मल फ्लाई जो बाउंस बैक करके इट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स. मे बी इफ यू वॉन्ट टू यूज एन ऑफ कैमरा फ्लैश तो यू कैन यूज इट विद द ट्रिगर. लेकिन जैसे मैंने अभी बोला इफ यू वॉन्ट टू शूट इट इन शूट इन सनलाइट तो अगेन यू नीड टू हैव अ गुड पावर फ्लैश. तो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है. बट इफ यू से अबाउट कि मेरे को कैमरे के ऊपर ही फ्लैश लगा के यूज करना है एंड एक मुझे ऑल इन वन टाइप की फ्लैश मिल जाए तो आई वुड रिकमेंड यू ईदर यू कैन गो फॉर वीवन, दैट्स एन अमेजिंग फ्लैश, राइट. और अगर आप बजट कंस्ट्रेंट है, अगर आपके साथ कुछ बजट का है कि भाई मेरे को तो इस पर्टिकुलर अमाउंट तक की फ्लैश है, यू कैन गो टू 68, गो विद 685, यू कैन गो विद 585, पाम साइज फ्लैश है, इवन यू नो मोर इनएक्सपेंसिव फ्लैश, दैट मींस दैट इज TT 350, यू कैन यूज एनी. आई पर्सनली यूज इवन आई एम यूजिंग मिररलेस कैमरा, क्योंकि वो छोटा कैमरा हो जाता है तो आई प्रेफर अ छोटा फ्लैश. जितना छोटा फ्लैश होगा, जितना यू नो कंसाइज फ्लैश होगा, उतना ट्रैवल करने में, सिंस आई एम अ ट्रैवल फोटोग्राफर, आई टेक माई स्टूडेंट्स ऑन फोटो टूर्स. हम लोग फोटो टूर्स पे बहुत ज्यादा जाते हैं, हम लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत करते हैं. तो कुछ भी हम लोग को ऐसा करना है जिसमें फ्लैश की रिक्वायरमेंट है एंड यू आर ट्रैवलिंग एंड यू डोंट वॉन्ट टू कैरी हैवी थिंग्स, गो फॉर TT 350. लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए, गो फॉर 685, और बेटर चाहिए V1, देन 8200, 8600, वो फिर प्रॉपर कैटेगरी बदल जाती है फ्लैश की. ओके ओके, इट्स क्वाइट एन इंटरैक्टिव सेशन, थैंक यू सो मच. आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज बेटर एज पॉसिबल, दो दिस इज माई फर्स्ट फेसबुक लाइव, तो देयर आई एम फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज, बट दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ओके. आई एम एंज�ying योर क्वेश्चंस. And yes, Godox team is simultaneously and continuously, you know, clearing the doubts, the technical doubts ki kaise kya kya karna hai. So yes, please stay in with the Godox team. Okay, another question I have is, I want to buy Octa box or any softbox for outdoor shoots. So do Godox have any softbox or Octa with external handle to hold, please suggest. See, if you want to go for you know a good softbox for outdoors, I guess there is depends ki aapko kis size ka chahiye. You have I guess that's PH90, then you have a 120 softbox, amazing softbox, and if it's a deep softbox, and no doubt it is going to give you some brilliantly great results, good contrast in your pictures. But the question is if it has a handle or not. Let me check with the Godox team that these you know softbox come with external handle or not. I'll get back to you, Prachi. Okay, so Anwar ji is saying thanks for answering my question, this is what I am here for. Anwar ji, thank you so much. Okay, good point. Price cutting, Joshi ji bol rahe hain price cut hote hain market mein. Good point Joshi ji, if you are a good photographer ye cheeze aapko matter, matlab aapko bilkul bhi problem nahi karke jayenge, because when you are giving the quality and you are taking the price, there are n number of clients, har category ke clients hote hain, quality bhi chahiye wo bhi. Agar aap sirf ye dekhi ki koi price cut kar raha aur aap apne price ko bhi aisa kar dete hain ki bhai main to price कम करूंगा तो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग गुड. प्लीज मेंटेन अ गुड मार्केट, प्लीज मेंटेन अ गुड क्लाइंटेज, एंड दिस इज थिंग्स, बिकॉज इतना प्राइस कट करते जाएंगे ना, बिलीव मी आपकी क्वालिटी भी उतनी डाउन जाएगी, एंड एक सेटिस्फैक्शन होता है ना बीइंग अ फोटोग्राफर, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा. सो कम काम करना है, लेकिन काम करना है बहुत अच्छा. जिसके लिए काम करना है, अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए. अगर क्वालिटी नहीं दे सकते, प्लीज सबसे पहले हमें क्वालिटी पे काम करना है, उसके बाद हम किसी और चीज की बात करेंगे. ओके, प्लीज कंपेयर 685 वर्सेस V1. ओके, द मेजर डिफरेंस इज द यू नो द head of the flash. When I talk about 685, it's a normal head, जैसे आप पीछे, sorry, this side, पीछे देख रहे हैं,
यू हैव अ फ्लैश, मैं आपको इफ इन केस यहाँ पे निकली, अभी यहाँ पे नहीं है कोई फ्लैश, ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वीगन, इट हैज अ राउंड हेड, उसका राउंड हेड है विच गिव्स यू सूदिंग इफेक्ट एट मेनी प्लेसेस. सपोज यू आर यूजिंग योर वीगन फ्लैश एट द बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड पे फ्लैश यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वीवन आई वुड सजेस्ट यू फॉर सम सॉफ्ट इफेक्ट्स, फॉर सम सूदिंग इफेक्ट्स. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे नो डाउट वीवन इज स्लाइटली बेटर देन 685 इन टर्म्स ऑफ लाइट आउटपुट एंड रिजल्ट्स. यस ओके ओके How can one overpower the sun? Okay, now this is going to be a technical question as well as a creative question. सबसे पहले हम जानेंगे कि ये overpower the sun का मतलब क्या है. The brightest source of light when we say it is going to be the sun, जब हम sun में shoot कर रहे हैं, sometimes the sun is in the frame, at times Sometimes the sun is not in the frame. पता है क्या होता है, लाइट इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम अपनी फ्लैश लाइट भी यूज कर रहे हैं तो वो सन की लाइट इतनी ज्यादा है कि फ्लैश लाइट का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता. इफ यू हैव अ गुड पावर्ड फ्लैश विद यू, जैसे आपने कहा कि आपके पास 8600 भी है, और 8600 के जो कि फ्लैश की पावर है, अगर आप उसको फुल पावर या उससे थोड़ी सी कम पावर पे यूज करते हैं तो उसकी लाइट इतनी ज्यादा होगी कि यू विल बी एबल टू रिड्यूस दी अपर्चर साइज. आप अपर्चर साइज रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जो सन की लाइट है वो भी कम होगी. एंड सिंस वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम योर 8600, यू विल बी एबल टू ओवर पावर द सन. मतलब सन की लाइट से ज्यादा आपने फ्लैश की लाइट का इफेक्ट दिखा दिया, दिस इज कॉल्ड ओवर पावरिंग द लाइट. ओके विच फ्लैश इज स्मॉल बट हाई इन पावर. ओके सो योर क्वेश्चन इज कि आप एक छोटी फ्लैश भी लेके चलना चाहते हैं लेकिन उस छोटी फ्लैश में पावर भी हाई हो. इसका दी बेस्ट सोल्यूशन इज 8200 और मे बी 8200 प्रो, स्मॉल इन साइज, इट्स अ पॉकेट साइज फ्लैश. आप उसको अपने कैमरा बैग में, अगर कैमरा बैग आपका छोटा भी है, बिलीव मी आप उसको आराम से कैरी कर सकते हैं. आई पर्सनली यूज दीज काइंड ऑफ फ्लैशेस. अगर आप देख रहे हैं तो पीछे हमारे एक फ्लैश रखी है, दिस इज 8200, एंड कोशिश करूंगा भी आपको इससे क्लिक करी भी कोई पिक्चर्स दिखाऊं, एंड कोशिश करूंगा कि इससे क्लिक करी भी कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाऊं जिसमें सन इज आल्सो देयर. मतलब कहीं ना कहीं सन की पावर से भी हमने इसको मैच करने की कोशिश करी, दो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, बट यस इट्स अ ग्रेट फ्लैश, स्मॉल इन साइज बट पावरफुल फ्लैश. नाउ दिस विल बी यूज विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिगर. आप कोई सा भी ट्रिगर ले सकते हैं, ये तो वो है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव न्यूअर वर्जन ऑफ द ट्रिगर, यू हैव एन नंबर ऑफ ट्रिगर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वॉन्ट टू पुट द फ्लैश ऑन टू द हॉट शू माउंट ऑफ योर कैमरा, यू कैन सिंपली गो फॉर V1, अ गुड फ्लैश, ग्रेट फ्लैश. एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ फ्लैश लाइक 685, उसका एक छोटा वर्जन मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज 585, यू कैन गो फॉर 585, यू कैन गो फॉर 685, गो फॉर अ 685 फ्लैश, यू विल गेट ग्रेट पावर, स्मॉल इन साइज. एंड यस, जैसा कि अभी गोडॉक्स टीम ने भी अप्लाई किया है, 4 AA अच्छी बैटरी से यू कैन गो अहेड विद दी थिंग्स. ओके सो यस वी आर ओवर विद द क्वेश्चंस, एंड यस जिनके क्वेश्चंस अभी गोडॉक्स टीम को आंसर करना है, यू कैन इफ दे आर आंसरिंग साइमल्टेनियसली, अगर आपके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता तो यू कैन सिंपली गो अहेड विद यू नो गोडॉक्स टीम, एंड दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. इफ यू आर विलिंग टू नो समथिंग अबाउट फोटोग्राफी, यू कैन लिटरली कॉन्टैक्ट आवर स्कूल, कॉन्टैक्ट our school, Exposure School of Photography, which is in Meerut. If you are not in Meerut or nearby areas, you can any time drop into our one day workshops. बहुत सारी workshops भी होती हैं. And if you are like a part of our school, बहुत सारे हमारे students हैं. उनके लिए we have great
you know, opportunities to participate in photo tours, photo walks, workshops, and whatnot, whatnot. So yes, this is fun. And believe me, people, if you are willing to opt photography as a career, सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि आपने एक photographer को देखा, आपको लगा ओ हो उनके पास इतना बड़ा lens है, he is looking dashing. ठीक है, that is another thing. But अगर आपको मजा आ रहा है, if you are enjoying photography, you can simply jump, you know, into photography. You can opt it as your career. And believe me, photography में इतने सारे careers हैं. Normally एक चीज बोली जाती है कि भाई फोटोग्राफर नहीं बनना क्योंकि वेडिंग नहीं शूट करनी. वो वेडिंग इज यस नो डाउट इट्स इट हैज अ ग्रेट मार्केट, इट यू नो हैज अ गुड परसेंटेज ऑफ फोटोग्राफर्स दैट वी हैव, दे आर वेडिंग फोटोग्राफर्स. बट अपार्ट फ्रॉम वेडिंग फोटोग्राफी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गो एंड वर्क विद ट्रैवल मैगजीन्स, बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर. अभी ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग का दौर है, यू कैन बी अ ट्रैवल ब्लॉगर, यू कैन बी अ ट्रैवल ब्लॉगर. आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल फोटोग्राफी यू कैन गो अहेड विद बेबी फोटोग्राफी, यू कैन गो अहेड विद पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, यू कैन गो अहेड विद यू नो एस्ट्रो फोटोग्राफी. बहुत सारे फील्ड्स हैं, मतलब इतने सारे फील्ड्स हैं कि अगर मैं यहां पे नाम लेने बैठूंगा तो इट इज गोइंग टू टेक नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स. लेकिन एन नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर, लेकिन चूज आपको क्या करना है जिसमें मजा आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर मुझे सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो मैं सिर्फ पोर्ट्रेट ही क्लिक करूं, कुछ और कर ही नहीं रहा हूं. व्हेन यू आर कमिंग इनटू लर्निंग फोटोग्राफी, बिलीव मी, यू हैव टू ट्राई योर हैंड्स ऑन ऑल काइंड ऑफ जॉनर्स, जो पॉसिबल है आपके लिए उनमें आप यू कैन गो अहेड विद मैक्रो फोटोग्राफी. हर चीज का अपना एक महत्व है, हर फोटोग्राफी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है. तो ट्राई इट आउट. बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने से पहले बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, तभी तो डिसीजन ले पाए हैं कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है एंड डूइंग वेरी वेल, अर्निंग वेल. सो यस, जब आपको कोई भी फोटोग्राफी जॉनर चूज करना है तो सिर्फ जॉनर चूज करके नहीं आना, आपको यू नीड टू टेक अ हैंड्स ऑन व्हाटएवर जॉनर्स यू वांट टू टेक. एंड उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे ज्यादा मजा किस में आ रहा है. एंड बिलीव मी, दिस इज फन. इफ यू टेक इट एज अ फन, बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा. एंड प्रोफेशनली आप बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छे कर पाओगे. ओके, सो ओके, list of questions we have. Okay, does Godox have any modifier size smaller than P90? yes, 100%. जो गोडॉक्स का ये बॉक्स मेरे पीछे रखा हुआ है दैट इज 80, एंड उससे छोटे भी बहुत सारे मॉडिफायर्स आते हैं. यू कैन गो Godox पेज, प्रोडक्ट लाइनअप आप देखिए, मे बी Godox की वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे आपको, या फिर इफ यू आर इन मेरठ तो वी आर हेयर, इफ यू आर नॉट इन मेरठ तो आपके पास जो नियरेस्ट डीलर है, ऑथराइज डीलर है Godox के, उनके पास जाइए. दे विल बी एबल टू शो यू अ ह्यूज रेंज और मे बी अ लिस्ट ऑफ मॉडिफायर्स. यू कैन गो अहेड विद द थिंग्स. यस, दे हैव स्मॉल साइज मॉडिफायर्स एज वेल. ओके, so please explain bit about groups and channels. okay, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा elaborate, क्योंकि ये session almost एक घंटे का था, अब एक घंटे से ऊपर हो चुका है time, and I wanted to show you some of my pictures, I wanted to discuss some great pictures with you, लेकिन we are running out of time और technical issue जो भी था, so let me see if I can do that or not. if not तो certainly in the next session I'll be sharing some pictures with you, I'll be discussing some pictures with you because that is again going to be fun. but हमारे पास एक question है, मैं कोशिश की जितने भी एटलीस्ट क्वेश्चन है उनको आंसर कर दूं. एंड जिसका क्वेश्चन है आंसर इज फॉर everyone, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उन चीजों की जरूरत पड़ती है. प्लीज एक्सप्लेन अ बिट अबाउट चैनल्स एंड ग्रुप्स. बेसिक बताता हूँ आपको कि ये चैनल्स और ग्रुप का फंडा क्या है. बहुत बार क्या होता है, आप एक इवेंट शूट कर रहे हैं, आप इवेंट शूट, फॉर एग्जांपल इट्स वेडिंग एंड यू आर फ्रॉम ग्रूम साइड, अब ब्राइड साइड के भी फोटोग्राफर्स आएंगे, आपने देखा यार मैं जो फ्लैश यूज कर रहा हूं वो भी वही यूज कर रहे हैं, सेम ट्रिगर्स हैं. अगर आप लोग सेम सेटिंग्स
फिर शूट कर रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे, उनकी फ्लैश फायर क्लिक करेगी, वो क्लिक करेंगे आपकी फ्लैश फायर करेगी. सो ये जो ग्रुप्स एंड चैनल्स का जो पूरा सिनेरियो होता है, इट इज ऑल अबाउट कि आपकी फ्लैश पे आप खुद शूट करें एंड जो दूसरा दूसरे फोटोग्राफर है उनकी फ्लैश पे वो खुद शूट करें. अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज इफ यू आर यूजिंग 3 डिफरेंट फ्लैशेस, मे बी 2 इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, 1 फ्रॉम द बैक, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब आप अपने पास से ही उनको अलग अलग उसमें सेट करके, अलग अलग सिनेरियो में सेट करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव द कंट्रोल, यू आर वर्किंग ऑन ग्रुप्स एंड चैनल्स. लेकिन इसका जो डिटेल्ड सेशन है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके बीच दोबारा आऊं और इसका एक डिटेल सेशन दूं, बिकॉज दिस इज समथिंग टेक्निकल एंड समथिंग रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इस चीज की जरूरत आपको फील्ड में पड़ती ही पड़ती है. ओके, सो I would like to go ahead with the things. Which is the softbox that you have behind you? Anmol ji, this is 80 centimeter, 80, yeah, softbox by Godox, and it's an amazing softbox. I can use my 8200 in it, I can use any flash, and I can use it with the trigger, and it gives me amazing results. Bahut sare results hain. Maine kuch shoot kara hai aap log ko dikhane ke liye, to jo bhi mera next session hoga usme I'll be, you know, able to show you some pictures. Aur aapko regular basis par kuch interesting shots dekhne hain, to you can connect with us on Facebook. The page name is Exposure School of Photography. That is in Meerut. Aapko dikh jayega with this yellow monogram. Apart from that, you can also connect with us on our Instagram handle, that is Exposure School of Photography. And वहां पे regularly you will be seeing a lot of pictures. हमारे students क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ management या मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे students क्या कर रहे हैं, student works. You will be seeing there are a lot of competitions. क्या क्या हमारे photo tours पे होता है, photo walks पे क्या क्या होता है, n number of things are going to be there. So okay, again मधुकर इज सेइंग कांग्रेचुलेशंस सर, वेल कंडक्टेड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. कोशिश कर रहा हूँ जितनी नॉलेज है आप तक पहुंचा दूं. अपार्ट फ्रॉम कि हम सिर्फ इन सेशंस में ही मिले, इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद मी, आर वेबसाइट इज, मैं अभी कमेंट बॉक्स में अपनी वेबसाइट भी लिख दूंगा. मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दिया, अपना फेसबुक हैंडल बताया है. प्लीज कनेक्ट, एंड कोशिश करूंगा अगर आप मेरठ में हैं तो यू कैन कम एनी टाइम, द स्कूल इज ओपन फॉर यू. अभी नहीं, अभी नहीं, ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएंगी उसके बाद स्कूल आपके लिए बिल्कुल खुला है. कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, इट्स नेवर अबाउट कि फीस क्या है या क्या है. अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं तो मैं 100% करूंगा. कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेरी है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी है, बिकॉज वी आर इनटू रिटेलिंग एज वेल, कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर. कोई क्वेरी फोटोग्राफी से रिलेटेड है, वी आर देयर. कोई आपको टेक्निकल क्वेरी है, 100% वी आर देयर. अभी कोई आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ब्रांड के सर्विस सेंटर्स होते हैं. किसी वजह से यू आर नॉट एबल टू रीच दी सर्विस सेंटर्स, तो आप हमारे पास, हम कोशिश करेंगे कि आपको उनसे कनेक्ट कर दें. बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए एंड यू शुड एंजॉय यूजिंग योर प्रोडक्ट, बी इट अ फ्लैश लाइट, बी इट योर कैमरा, बी इट एनीथिंग. और जब आप अपने प्रोडक्ट को एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, बिलीव मी, फोटोग्राफी आपके लिए और ज्यादा फन हो जाएगा. एंड इसके साथ एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड नोइंग योर प्रोडक्ट. नोइंग योर प्रोडक्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेरी होती है यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली. आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एक्सपोजर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी मेरठ में. और कभी भी आपको मुझसे मिलना है, यू आर मोस्ट वेलकम. अभी लॉकडाउन और खुल जाए और स्कूल्स को थोड़ी गवर्नमेंट एडवाइजरी आ जाए स्कूल्स के लिए, उसके बाद जब थिंग्स विल बी बैक अगेन इन द मोमेंटम, यू कैन लिटरली कॉन्टैक्ट मी. यू वॉन्ट टू मीट मी, यू वॉन्ट टू टॉक टू मी ऑन कॉल, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आपको करना है, प्लीज गो अहेड विद इट. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन एनी वे आई कैन. बिलीव मी, सी दिस इज फन. अगर बींग अ फोटोग्राफर हम लोग ये नहीं कर सकते तो यस,
This is not a thing. Okay, I have some questions regarding. Okay, not the question, but share Instagram handle again. Okay, Prachi is asking for the Instagram handle. It is exposure school of photography. Exposure underscore school underscore of underscore photography. And yes, you will see the logo, the black and yellow logo. Simply follow us, and we will be, you know, regularly showing our work to the student work and whatever we are doing. Maybe there are studio practicals, outdoor practicals. Sometimes we create studio outdoors for these students to give proper exposure to these students. And the best part is the school. We are running this school since past 6 years, and पता है जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हुआ करते थे ना, इवन दे आर कनेक्टेड बिकॉज दे आर लर्निंग एवरीथिंग. दे आर, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि आपका एक कोर्स है जो खत्म हो गया उसके बाद टाटा बाय बाय. नहीं, उसके बाद भी जितनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उतनी हम करेंगे. फीस इज ऑलवेज सेकेंडरी, नो डाउट दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज ऑलवेज फॉर अस इट इज ऑलवेज सेकेंडरी. दैट्स अ डिसिप्लिन. लेकिन आपकी क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को आंसर करना, क्वेरीज को सॉल्व करना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स गो अहेड विद द थिंग्स. ओके, वी हैव योर एफबी पेज नेम. कैन वी हैव योर एफबी पेज नेम अगेन? यस, इट इज एक्सपोजर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी मेरिट. EXPOSURE स्कूल ऑफ फोटोग्राफी. हाइफन लगा के मेरिट, तो यू विल एंड अप सीइंग दिस logo, Exposure School of Photography. And amazingly, you know, sometimes I feel really proud when my students create something great as a photographer. Or वो सभी चीज कोशिश करते हैं, वो सभी चीज हमारे पेज पर आते हैं. कभी कभी कॉम्पिटिशन भी होते हैं, कॉम्पिटिशन दैट इज ओपन फॉर एवरी वन. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन. बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत मजा आता है. एंड बिलीव मी, टेक इट एज अ फन. कभी भी इस चीज को ऐसा नहीं लेना, ओ हो मुझे जाना पड़ रहा है, ओ हो मुझे शूट करना पड़ रहा है, अब 2 घंटे बाद मेरा काम खत्म होगा. नहीं, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, बिलीव मी, यू कैन नेवर बी अ गुड फोटोग्राफर. आपको सुबह 4 बजे भी उठना है और अगले दिन सुबह 4 बजे तक आपको, यू नो, रेस्ट नहीं मिला, या हो सकता है पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा. यू हैव टू हैव दैट पैशन. आपका काम तब भी चलना चाहिए. माय स्टूडेंट्स नो वेरी वेल, जब हम कभी फोटो टूर्स पे जाते हैं तो, और उसके बाद रेगुलरली कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे हैं जो रेगुलरली हमारे साथ फोटो टूर्स पे पार्टिसिपेट करते हैं. वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि फोटोग्राफी के साथ साथ सुबह 3 बजे या 4 बजे भी उठना आपने सिखा दिया हमें. तो यस, दिस इज फन, बहुत मजा आता है. यू नीड टू, यू नो, टेक इट एज अ फन. सिर्फ हम इसको एज अ प्रोफेशन ले, या सिर्फ ये कि हमें काम करना है एज अ सोर्स ऑफ इनकम, नहीं. फोटोग्राफी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आप सिर्फ उसको सोच के माइंड में स्ट्रेस लेके कि मुझे ये करना है. नहीं, फन की तरह लेना है, अपग्रेड करना है. जितना आपको नॉलेज होगी, जितना खुद को अपग्रेड करेंगे, उतना आपको काम करने में और ज्यादा मजा आएगा. एंड ओके, सो सर, कैन यू रिकमेंड अ ब्यूटी डिश आई कैन यूज विद माय TT685? सी, देर आर एन नंबर ऑफ मॉडिफायर्स व्हेन यू टॉक अबाउट, you know, softening the light or beauty dishes. So I guess Kodak also has a beauty dish. You can go through the list of the products, and you can go, you know, with n number of modifiers. See, it's not about what is the best beauty dish or what is the best softbox for a particular flash. It's photography, people. You know, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट. आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको मजा उतना ज्यादा आएगा. अब ये एक्सपेरिमेंट नाम की चीज क्या है? अभी मैंने आपको, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस फ्लैश के लिए ये वाला जो सॉफ्ट बॉक्स है, ये वाली जो ब्यूटी डिश है, टू मेक दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, ये बहुत अच्छा है. पता क्या होता है, वॉट आई टेल माई स्टूडेंट, जो ऑफलाइन हमारी क्लासेज होती है, कॉन्सेप्ट क्लासेज होती है या प्रैक्टिकल क्लासेज होती है, माई फर्स्ट थिंग टू देम इज, आज हमने स्टूडियो प्रैक्टिकल में ये वाली लाइट के बारे में समझा,
when you are going back home and when you are practicing, don't just you know stick to that light only कि क्लास में हमने ये किया था, स्टूडियो में आज सर ने ये कराया था. नो, अगर आज हमने एक लाइट ऊपर 45 डिग्री से इमिट करी है, घर जाके ट्राई तो करो. एक लाइट में नीचे से डाल के देखता हूँ क्या होगा. यार एक काम करता हूँ, नीचे ना मैं रेड कलर की लाइट ला के देखता हूँ क्या होगा. यार अगर मैं यही वाली लाइट पीछे से डाल दूं तो क्या होगा. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें आप ऐसी देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना. क्लासरूम सेशन हो गया, लेकिन अब क्या, थिंग्स आर नॉट कंफाइंड टू द क्लासरूम. उससे उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना है. सी कोई भी फोटोग्राफी कोर्स है ना, वी आर गिविंग ग्रेट प्रोफेशनल, एडवांस प्रोफेशनल और बेसिक फोटोग्राफी कोर्सेज. हम बहुत सारे फोटोग्राफी कोर्स देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सी पीपल आर वर्किंग वेल. ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड विद द कोर्स, दे आर हैविंग फन, दे आर अर्निंग वेल आफ्टर डूइंग द कोर्सेज. लेकिन उसके बाद भी मैं क्या बोलता हूँ सबको, एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड नहीं रहना. सी एज आई सेड, आई हैव बीन टीचिंग फोटोग्राफी सिंस सिंस अ डिकेड, यू कैन से, और 11 ईयर्स. पता है क्या, आई एक्सपेरिमेंट डेली, एवरी डे आई लर्न अ न्यू थिंग. एंड यही हर फोटोग्राफर के लिए होना चाहिए, नॉट ओनली अ फोटोग्राफर बट एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट. अगर मैं चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे. आई स्टिल रिमेम्बर बचपन में मैंने बहुत सारे कैमरास तोड़े हैं, खोले हैं आई शुड से, जो कभी बंद नहीं हुए. ठीक है, चीजें खराब हुई, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके बहुत चीजों के बारे में पता चला है. आज भी हर लाइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट गुडॉक्स AD200, तो ये नहीं जो ब्रांड ने लिख दिया कि हम इससे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. नो, दैट इज नॉट सफिशियंट. हम क्या क्या कर सकते हैं और उस लाइट से हमें खुद जानना है. हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह रहेंगे कि भाई ब्रांड ने ये बोला है तो यही कर सकते हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ब्रांड को भी बाद में पता चलता है कि यार मेरे प्रोडक्ट के साथ तो ये भी हो सकता है. तो जितना आप खुद को अपग्रेड करेंगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना यू विल एंजॉय डूइंग थिंग, उतना ज्यादा आप चीजों को एंजॉय करेंगे और उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा. एंड ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, मजा बहुत आएगा. तो अल्टीमेट थिंग इज, मजा जिस चीज में आ रहा है वो चीज अच्छी होगी ही होगी. पीयूष, यस पीयूष, इट इज एक्सपोजर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी, यू रोट इट करेक्टली. एंड Yes, once a learner, always a learner. Yes, great, great, great. Okay. So, Surya, you have a question for me, sir. Who is your inspiration? Okay. See, inspiration आपको पता है कहां से मिलती है? No, it's not only about me. It's about एवरीबडी, इट्स रियली अबाउट एवरीबडी. आप सीखते कहां से हो? वेन यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ गुड फोटोग्राफ. अ गुड फोटोग्राफ किसने कैप्चर करी है? मे बी अ गुड फोटोग्राफर, एंड इट कैन बी एनी फोटोग्राफर, एनी वन. यू नो, कभी ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने ये शूट किया है तो अच्छा है, क्योंकि वो फोटोग्राफर कोई और है तो उन्होंने अच्छा नहीं करा. ऐसा कभी नहीं होता. जितने भी सीनियर फोटोग्राफर्स होते हैं, जितने भी सीनियर का मतलब ये नहीं कि एज में बड़े हैं, लेकिन क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस की मैं बात करना चाहूंगा. यस, जितना ज्यादा आप अच्छे काम को देखेंगे, उतना ज्यादा आप उस काम से इंस्पायर होंगे. इट्स नेवर अबाउट द फोटोग्राफर. हाँ, आपको कोई इंसान अच्छा लग सकता है, यू मस्ट बी हैविंग गुरुज. मे बी आप अपने गुरु से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, एंड होना भी चाहिए, बिकॉज एनी हाउ आपने उनमें कुछ देखा है, जिस वजह से आपने उनको अपना गुरु बनाया है इन फोटोग्राफी. बट बिलीव मी, एक चीज होती है, मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, इस सेशन में भी मैं ये बोलूंगा, देर इज एन एक्सरसाइज. बिलीव मी, इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड फोटोग्राफर, देर इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, एंड दैट एक्सरसाइज इज फीडिंग. दैट इज कॉल्ड फीडिंग. नाउ व्हाट इज दैट फीडिंग? यू नीड टू फीड योर सेल्फ विथ सम रियली ग्रेट पिक्चर्स. अब ये फीडिंग का मतलब क्या होता है? हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम जितना भी फ्राइड चीजें खाएंगे उतनी हमारी स्किन ऑयली हो जाएगी. हम जितने भी फ्रूट्स और जूसेस पियेंगे उतनी हमारी स्किन ग्लो करती है.
दैट मीन्स हमने जो फीड किया हमारा रिफ्लेक्शन भी वही आया। सिमिलरली आप जितना अच्छे काम को देखते हैं, वो कोई भी फोटोग्राफर हो सकते हैं, आप उनके काम को देखिए, दैट वर्क शुड बी योर इंस्पिरेशन। ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन द इंस्पिरेशन शुड बी द वर्क ऑफ द फोटोग्राफर। और एक बार आप इंस्पायर हो गए काम से, कीप ऑन सीइंग गुड पिक्चर्स। जितनी आप अच्छी फोटोग्राफ्स देखेंगे, पता है क्या होगा, जब आप एक्चुअली में फ्रेम बना रहे होंगे ना, खुद फोटोग्राफी कर रहे होंगे, यू आर मेकिंग अ गुड फ्रेम, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज ऑटोमेटिकली आपका विजन काम करने लगेगा एंड यू विल एंड अप मेकिंग अ ग्रेट फ्रेम। ऑन द टॉप ऑफ इट, एक तो हमें पिक्चर्स देखनी है, फीड करना है खुद को अच्छी अच्छी पिक्चर्स से, इंस्पिरेशन लेनी है, मे बी अपने जो हमारे टीचर्स हैं फोटोग्राफी में, मे बी अपने खुद के काम से हमें इंस्पिरेशन लेनी है। अच्छा, खुद के काम से इंस्पिरेशन लेने का क्या मतलब है? आज से 6 महीने पहले आपने एक फोटोग्राफ क्लिक करा है, आज भी अगर आप वही फोटोग्राफ को अच्छा बोल रहे हैं, दैट मीन्स आपने इम्प्रूव नहीं करा है। तो खुद को इम्प्रूव करना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको खुद को भी इम्प्रूव करना है और खुद को ही इम्प्रूव करना है एक्चुअली में, तो दूसरों का काम देखना है। कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज नहीं होती, इंस्पिरेशन देनी है। यू कैन फॉलो एनीवन, यू कैन फॉलो योर मेंटर, लेकिन वर्क स्पीक्स। ठीक है, जितना काम आपको सिखा जाएगा, प्लस 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 एक चीज होती है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन मैं अभी टेक्निकल लेके नहीं जाऊंगा। टू इम्प्रूव योर वर्क यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो इट्स अ गुडॉक्स पेज, तो अंडरस्टैंडिंग लाइट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लाइट एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग यू नो नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल लाइट। अब ये जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, अगर हम लाइट समझ गए, वी कैन बी अ ग्रेट फोटोग्राफर। लाइट को नहीं समझेंगे, हमारी पिक्चर्स हो सकता है हम मोमेंट देख लें, लेकिन टेक्निकली वो पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ओके, सो ओके, वी हैव क्रॉस्ड 21 मिनट्स। देखिए ऐसा होता है, जब मजा आ रहा होता है तो 1 घंटे के फिर 1 घंटा 21 मिनट भी हो जाए तो पता नहीं चलता है। एंड येस, दिस इज फन फॉर मी। ओके, आई वुड लव टू टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। सर, फॉर आउटडोर शूट्स विल अ स्पीड लाइट विद अ सॉफ्ट बॉक्स सफिशिएंट, विल द पावर बी सफिशिएंट? सी, यू कैन गो अहेड विद अ हायर पावर ऑफ फ्लैश लाइट। जैसे मैंने अभी आपको कुछ मॉडल्स के नाम बताए थे, अगर नॉर्मल पावर, नॉर्मल से अच्छी पावर चाहिए, यू कैन गो फॉर 8200, यू कैन सिंपली गो फॉर you know 8400, 8600, depending upon, no doubt I will quote it, depending upon the budget and depending upon your requirement, jitna zyada power output hoga utna zyada yes outdoor shoot mein it is going to work better for you. zyada power hai to aapke paas control hai ki aap uski power ko kam kar sakte hain, lekin power zyada nahi hai to there will be a constraint. so yes, koshish kare ki 8400 ya 8600 you can simply go ahead with that, you will love it, you will love it. Okay. 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 What will be the future of travel photography due to this, you know, Corona times, trying times? Future of everything is going to be amazing. Stay positive. ऐसा नहीं है कि आज हम घर के अंदर हैं या आज हम अपने यू नो स्टूडियो या घर से बाहर नहीं निकल सकते। अभी तो फिर भी स्टार्ट हो गया है निकलना, बट वी शुड नॉट, लेकिन बिलीव मी थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट अगेन। मोमेंटम हमें पकड़ना है, वी डोंट नीड टू लूज आवर होप्स। में आप भी, हम लोग सब न्यूज सुन रहे हैं, पीपल आर लूजिंग होप्स बिकॉज ऑफ दीज ट्राइंग टाइम्स, लेकिन डोंट लूज योर होप्स, बिलीव मी थिंग्स आर गोइंग टू बी ब्राइट, इवन बेटर देन बिफोर। इवन यू नो ये जो टाइम्स हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पहले अगर कोई बहुत ज्यादा हाइजीनिकली नहीं रहते थे तो वो अब ये चीज सीख जाएंगे। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव अगेन। जो हमने इन पिछले 3 से 4 महीने में, आई गेस 3 महीने में और 4 महीने होने वाले हैं, जो बहुत कुछ सीखा है, वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। ये बताऊं क्या, ये जो टाइम है ना, ये जो लॉकडाउन का टाइम था, दिस वॉज अ टनल। जब हम टनल के अंदर गए थे ना, अराउंड
द एंड ऑफ मार्च, और अब हम टनल से धीरे 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 बाहर निकल के आ रहे हैं। अगर ये जो टनल के अंदर जाने में और टनल से बाहर निकलने के बीच में अगर हमें खुद में डिफरेंस नहीं दिखा तो बिलीव मी यू हैव डन नथिंग। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फोटोग्राफी करें, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्पेंड विद योर फैमिली, दिस इज द टाइम फॉर यू टू यू नो लर्न न्यू थिंग्स। आई पर्सनली ओके बीइंग अ फोटो जर्नलिस्ट स्टार्टिंग में आई वेंट आउट टू कवर सर्टेन इवेंट्स, सर्टेन यू नो इवेंट्स ऑफ दीज टाइम्स ओनली। तो धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती चली गई तो मैंने धीरे धीरे कम किया, बट आई गॉट टू लर्न सो मच न्यू थिंग। उसके बाद घर में, बिकॉज आई अगेन हैव अ स्टूडियो सेटअप, अ स्मॉल स्टूडियो सेटअप एट होम ऑल्सो, तो घर में भी हम जितना कुछ कर सकते हैं उतना कुछ किया। We need to learn, ताकि जब हम एक्चुअली में फील्ड में निकले ना तो हमें पता चले कि यार 3 महीने हमारे बर्बाद। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आगे जाना है। बिलीव मी वी आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट आफ्टर द थिंग्स आर यू नो गोइंग टू बी नॉर्मल अगेन। प्लीज बी पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं मैं घूम पाऊंगा या क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके सो ओके सूरज हैज अनदर क्वेश्चन, बेस्ट फोटो के लिए कितनी लाइटिंग सेटअप चाहिए? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यू कैन स्टार्ट विद वन सिंगल लाइट, वन सिंगल स्मॉल लाइट। दिस वन TT350 कैन गिव यू ऑसम रिजल्ट, मार्वलस रिजल्ट। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे फोटोग्राफ के लिए एक पूरा स्टूडियो सेटअप चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। And if you are, you know, giving it a start, just start with single light, start learning with one light, और एक light के साथ start करने का क्या मतलब है? You are, जब आप दूसरी light use करेंगे तो आपको पता होगा कि एक light से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो don't, you know, go ahead कि मुझे setup चाहिए, अगर setup नहीं होगा तो मैं अच्छी photography कभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा literally कभी नहीं होगा। Simply go ahead with one single light, experiment, learn, create amazing results. ओके या देर इज ओनली वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज। सो बी पॉजिटिव, ग्रेट प्राची, पॉजिटिव अप्रोच दिस इज। एंड सो यस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन नाउ, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन, कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है कि आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन एक्चुअली गिव मी अ कॉल। इफ यू वॉन्ट टू हैव माई नंबर, आई कैन राइट माई नंबर इन दी यू नो कमेंट बॉक्स। Okay, so yes, you can directly call me upon this number. If in case I am in a class, if in case I am in the middle of a session, I will not be able to pick your call. Drop in a message. कोई भी query है, कुछ पूछना है photography से related, तो 110% मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो, जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाए। बिल्कुल ओके। सो सूरज जी बोल रहे हैं कि लाइटिंग सेटअप का मतलब है द बेस्ट पिक इन आउटडोर शूट। यस, यू कैन स्टिल गो विद सिंगल लाइट, यू डोंट रिक्वायर अ ह्यूज सेटअप टू स्टार्ट विद, स्टार्ट विद अ सिंगल लाइट, इन्वेस्ट इन अ नॉर्मल, नॉट इन अ वेरी एक्सपेंसिव लाइट, नॉर्मल लाइट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग really amazing। लेकिन सिंगल लाइट से स्टार्ट करके तो देखिए। हाँ, अगर आपके माइंड में कुछ है कि मुझे एक लाइट यहाँ से, एक लाइट यहाँ से, एक लाइट वहां से, इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, यू कैन गो विद द फ्लैश लाइट्स अकॉर्डिंगली। गोडॉक्स हैज अ ह्यूज रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस मिनिमम 5-6,000 से स्टार्ट हो जाती है एंड इट कैन गो टू लाइक 50-60,000। अच्छी, बहुत अच्छी लाइट्स हैं, तो यू कैन गो अहेड विद द थिंग्स। दिस इज माई नंबर, मैंने अभी आपको नंबर अपना दे दिया है, तो यू कैन गो अहेड asking me some questions. I would love to assist you with whatever I can. And yes, I would also wish to connect with you all, or you may connect with our page, so that koi bhi learning ho, learning goes like this. I learn from you, you learn from me, and we are going
with these times. Right. So, yes, now we are going to conclude the session. Any queries, you can drop in the, you know, my Facebook page, Instagram page. I have given you my direct number. You can also, you know, log in to our website. That is exposureschool.in, right? So you can go ahead with the things and regular cheezein aapko Instagram or Facebook par milti chali jayengi. Right then, please take care. Even now, don't move out of your homes and take care of yourselves. Thank you so much.